रखो है आज में क्या ना। कैसी। हाँ जी, तो भाइयों इनके पास में महिंद्रा के दो ट्रैक्टर है और एक होगी है इनके पास में रॉयल इनफील्ड। ये भाइयों देख लो, बहुत कम शौकीन किसान मिलते हैं ऐसे जो अपनी जो सोंज है बिल्कुल ऐसी चमका कर रख रखे, मतलब कृषि यंत्र भी सारे एंटीक है इनके पास में। 19 का लास्ट है ये 19 मॉडल, 2019 मॉडल है। अच्छा जी, चली मुझे लगा कि आपको। हाँ जी देख लो भाइयों, बिल्कुल चमका कर रख रखी मोटरसाइकिल, और भैया जी को शौक है और होना भी चाहिए। तो भाइयों देख लो, मैं थोड़ी सी दिखा दूँ आपको। ये भी 195-196 घंटे चलाया। अच्छा 196 घंटे चला अभी। भैया करिए एक बार स्टार्ट करिए, फिर भी आवाज़ सुनवा दे। और भाइयों कपड़ा जो है डेली मारेंगे जी, तो है ना, साफ सफाई डेली करेंगे। ये देखो भाइयों, भैया बाजी कर दो जी। अब तो वैसे महिंद्रा ने बहुत सुधार कर दिया, महिंद्रा ने भी। हाँ जी हेड्रो साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूँ दुद्दा हेड़ी गांव में, और आपको आज एक ऐसे शौकीन किसान से मिलवाने जा रहा हूँ। भाइयों एक तो युवा है इनमें, और भैया जी जो है अपनी मशीनरी जो है बहुत ही शौक के साथ में, साफ सफाई के साथ में रखते हैं। तो आज की वीडियो में भाइयों इनका घेर और इनके सारे कृषि यंत्र में दिखाऊंगा, उसके बाद में इनके गन्ने की वीडियो बनाऊंगे। ट्रेंच विधि द्वारा भैया जी गन्ने की खेती कर रहे, तो सबसे पहले मैं चौधरी साहब से मिलवा दूँ एक बार, इनका परिचय करा दूँ, उससे बाद में भाइयों इनके सभी कृषि यंत्र दिखाते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ चौधरी साहब थोड़ा सा एक बार अपना परिचय। मेरा नाम अरविंद राठी जी जी, गाँव दुद्दाड़ी। अच्छा अच्छा छोटू आ जाओ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम संजय राठी है। अच्छा अच्छा कुमार जी जी जी। अच्छा अच्छा तो भैया ट्रैक्टरों की साफ सफाई का बहुत शौक है, मतलब आपको पता चला है ना। अच्छा मतलब बिल्कुल चमका के रखो है ना। हाँ जी, तो भाइयों इनके पास में महिंद्रा के दो ट्रैक्टर है और एक होगी है इनके पास में रॉयल इनफील्ड। ये भाइयों देख लो, बहुत कम शौकीन किसान मिलते हैं ऐसे जो अपनी जो सोंज है बिल्कुल ऐसी चमका के रख रखे, मतलब कृषि यंत्र भी सारे एंटीक है इनके पास में। 19 का लास्ट है ये 19 मॉडल, 2019 मॉडल है। अच्छा जी, चली मुझे लगा कि। हाँ जी देख लो भाइयों, बिल्कुल चमका के रख रखी मोटरसाइकिल, और भैया जी को शौक है और होना भी चाहिए देखो अपनी मशीनरी का। तो भाइयों इनके पास में ये ट्रैक्टर है महिंद्रा 265 XP प्लस में। तो भाइयों ये इन्होंने अभी लिया है, तो 22 मॉडल है ना जी ये तो? नहीं 23, अभी तो फिलहाल 22 ही चल रहा। हाँ 22 ही चल रहा, 23 के कागज बन जाएंगे इसके। आ जाओ जी आगे आ जाओ जी। तो भाइयों तो जी यो आपने कितने दिन पहले लाई जी आप? ये 24 तारीख में लिया। 24 तारीख में लिया जी। तो भाइयों घुमावदार एक्सल में है, पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर के साथ में, XP प्लस, 6 साल की वारंटी दे रही है, और महिंद्रा ने बहुत बड़े बदलाव इस ट्रैक्टर में करे। तो ये कितने का पड़ा जी? ये 5.25 लाख का जी। 5.25 लाख का जी। अच्छा तो महिंद्रा का ही शौक है जी? हाँ जी महिंद्रा का ही, मतलब बढ़िया। हाँ जी बढ़िया, मजबूत है। हाँ बिल्कुल, मार्केट भी है, मार्केट अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार स्टार्ट करियो जी। कितने घंटे चला होगा अभी? अभी तो करीब 11 घंटे चला। 11 घंटे, तो भाइयों अभी मात्र 11 घंटे ट्रैक्टर चला। देखो भाई इसमें सिलो कैसी करके दे दी। हाँ जैसे वो मैसी में इस तरह की दे रखी। हाँ जी बंद कर दो, एक बार कर दो जी बंद। और भाइयों दूसरा ट्रैक्टर इनके पास में है महिंद्रा 575 XP प्लस। तो ये तो गन्ने डालने के लिए ले आओगे आपने 65 है ना? हाँ डीजल का भी एवरेज बढ़िया है इसका। हाँ बिल्कुल गन्ने भी ज़्यादा तुलेंगे। ये कौन सा मॉडल है जी आपका? ये 22 है जी, 2022 मॉडल ही हुआ है। तो इससे पहले जो सब कौन सा ट्रैक्टर चला थे? हमारे पास 41 था। अच्छा 41 मैसी 45 लिया था। मैसी पैर 45 लिया। अच्छा मैसी दे के फिर महिंद्रा का कैसे मूड बना जी? ऐसा है थोड़ा सा, एक तो जब से ट्रंच का गन्ना बोन लगे। हाँ जी वो ट्रैक्टर नीचा है। अच्छा मैसी का नीचा जी। हाँ जी फिर अच्छा। हमारे पास एक 99 मॉडल सादा था। हाँ जी वो भी बहुत अच्छी कंडीशन का था। समस्या वही आ रही थी कि जब गन्ना बड़ा हो जाता मिट्टी चढ़ाने में जुताई में दिक्कत आती। हाँ उसका पेट अड़ता। अच्छा अच्छा महिंद्रा की हाइट ऊंची है। अच्छा अच्छा तो फिर आपने दोनों ही बेच के? हाँ जी। और महिंद्रा लिए? महिंद्रा लिए। अच्छा जैसे मैसी चलाया और अब महिंद्रा चला रहे, मतलब कुछ अंतर महसूस कर? हाँ जी अंतर तो बहुत है भाई, एक तो पावर बड़ी है। अच्छा जी पावर स्टीयरिंग हो गया जी, टायर बड़े हो गए। हाँ जी
ऊंचा हो गया। अच्छा, चलाने में कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। वो जैसा कुछ लोग कहे मैसे ही चला गया तो मजा आ जाए? नहीं देखो, वो अपनी चीज जगह चीज है, ये अपनी जगह चीज है। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख लो, मैं थोड़ी सी दिखा दूँ आपको। ये भी 196 घंटे चला। अच्छा, 196 घंटे चला अभी। भैया करिए, एक बार स्टार्ट करिए, फिर भी आवाज़ सुनवा दे। और भाइयों, कपड़ा जो है डेली मारेंगे जी, तो है ना, साफ सफाई डेली करेंगे। ये देखो भाइयों, बैठ जा, बाजी कर दो जी। अब तो वैसे महेंद्र ने बहुत सुधार कर दिया, महेंद्र ने भी। हाँ जी, हाइड्रोलिक में भी, वैसे भी। हाँ जी, और भाइयों देखो, इन्होंने भी पेड़ पौधों का शौक, इन्हें भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पेड़ लगा रखे। और ये इनके पास में होगी भाइयों ट्रॉली। यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने, ट्रॉली के गुल्लों में जो है ये वेल्डिंग करवा रखा सब जगह, है ना, वो प्ले बड़ा लगवाना ना जी। अच्छा, इंच बड़ा की? अच्छा, इंच क्या इसका बड़े का क्या फायदा रहे जी? बस ऐसा जी, एक तो कोई भी वो जोड़ लो ट्रॉली। हाँ बिल्कुल, छोटी बड़ी, फिर ज़्यादा ट्रैक्टर उठता नहीं। अच्छा, ज़्यादा उठता नहीं जी, इसमें उतना ही गैप है। एडजस्टिंग वाला कितने नीचे ऊपर कर लो, कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रॉली कहाँ की जी बनी हुई? ये सिमली, सिमली की। ये मुझे फनागर पास में पड़ा, ये जो बाईपास पे है गांव सिमली। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे दुदाईडी में देखा ज्यादातर वहाँ की ट्रॉली है जी। यहाँ तो क्या खास बात है तो? क्या भाई, हमारे तो इस पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक, हापुड़ तक इसकी ट्रॉली जाती है। अच्छा, सिमली की जी? हाँ जी, इसकी बहुत बढ़िया बनाने का जी हिसाब इसका बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, कुछ इसकी अलग विशेषता हो ट्रॉली की? विशेषता है, एक तो कुंडा नहीं मारती। अच्छा जी, और आवाज नहीं करती बिल्कुल। हाँ, आवाज नहीं, मतलब कोई आवाज नहीं, मतलब दबाव बना रखी खूब। हाँ, बढ़िया सेट पीछे है। हाँ, संकल भी खत्म कर रखी। अच्छा, संकल भी नहीं, नहीं। हाँ, वे पी नहीं गिर रखी। हाँ, वे संकल बजाय। हाँ जी, तो भाईयो सिमली की ट्रॉली हो। हाँ, साफ सफाई का, वेल्डिंग भी बढ़िया, टूटता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और भाइयों, इनके पास में ये ट्रेंचर हो गया, इसकी पंखड़ी देख लो, बिल्कुल अलग है। तो ये कहाँ कहाँ जी बनवाया? तो मैंने पहली बार देखा जी, है जी, मीरापुर जगबीर पे। अच्छा, जगबीर मिस्त्री ने बनाया? तो पंखड़ी अलग तरीके की बनाई जी वहाँ की? ये हमने बताया अपने तरीके से बनवा। अच्छा, अपने 2.5 क्विंटल जी? हाँ जी। तो भाई ये ट्रेंचर देखो, मैं ये दिखा दूँ आपको प्लेट, ये नीचे ऊपर हो जा जी, नहीं एडजस्ट कर, ये हैवी तो बहुत हैवी में बनवा रखी जी। तो भाई ये बड़े हैवी फ्रेम में बनावा है ट्रेंचर, इससे मिट्टी भी इससे चढ़ाओ जी? मिट्टी भी इससे चढ़ाते हैं। अच्छा, गोल घेरी का बढ़िया काट है आज, बहुत अच्छा भाई। ट्रैक्टर पे लोड कैसा पड़ा है? नहीं, नॉर्मल खांचा जी, नॉर्मल खांचा, लोड नहीं चलता ट्रैक्टर जी। जी हाँ जी। तो भाइयो, एक साइड में बिल्कुल सामने आप 3 सेट में देख रहे होंगे, कृषि यंत्रों का ही सब कुछ बना रखा है एक तरफ। और भाइयो, ये लेकर आए अब की बार में JP झंडू सर मास्टर, ये क्या है जी? अच्छा, ये रेटून मैनेजर के लिए लाया आप? अच्छा, ये काहे का जी, क्या है? अच्छा, नीचे प्लेट जो है जो मुंजे के खेत। अच्छा, ये घुमा है? अच्छा अच्छा, उसकी कटिंग कराए। अच्छा, ये कहाँ से लिया जी आपने? ये लाए एक मिलने वाले के पास रखा था घटा। अच्छा, घटा में था जी, रिश्तेदारी। तो इसका आप रेटून मैनेजर बनवा? हाँ, अभी फिलहाल 2-3 सामान और बनवाने हैं जी। जी, और भाइयों ये इनके पास में हंसवाड़ों की होगी हैरो, जो कि एक जाना माना ब्रांड है मेरठ का, और शौकीन आदमी की पहचान होती है हंस के टीलर या हंस के हैरो जरूर मिलेगी उनके यहाँ पर। और भाइयों, इनके पास में टीलर हो गया, ये कहाँ कहाँ जी टीलर? ये टीलर पंजाब बना जी। अच्छा, पंजाब है। अच्छा, खुर पे बदलवाओगे इसके? आज खुर पे ला कर रख रखे जी। अच्छा अच्छा, और भाइयों ये आप इनकी ये ट्रॉली होगी इंजन, मतलब पानी वगैरह पर चलाने के लिए, और कल्टीवेटर है। और भाइयों, ट्रैक्टरों का खड़ा करने के लिए अपना 3 सेट पड़ा। ये देखो पीटीओ का पंखा हमारा 6 इंची का है। अच्छा, ये कहाँ से? खतौली से बना? ये यही हमारा मिस्त्री एक मिल मंसूरपुर में, जयपाल मिस्त्री। अच्छा, उसने बनाया? उसने बनाया था। और अच्छा, ये घीड़ी जो हमारे गांव के एक मिस्त्री है। अच्छा, ये घीड़ी भी सबका छोटी छोटी है जी अब? हाँ जी। अच्छा, कटेर वटेर रपटते नहीं इन पर? ना जी, कोई मतलब नहीं। तो भाइयों, ये देख लो 6 इंची का पंखा है। अच्छा, यहाँ पर 12 कम है क्या जी? 12 है, दो एक दो खेत है राजू अलादा 12 सा, तो उनके लिए उनके लिए अपना ये रख रखा है। तो भाइयों देखो, सारे कृषि यंत्र मैंने दिखा दिए इनके, और एक मुझे इनका शौक ये बहुत बढ़िया लगा कि ट्रैक्टर जो है देखो बिल्कुल साफ सफाई के साथ में रख रखे, और सारे कृषि यंत्र भी दिखा दिए। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।